प्रयास अधिक परिणाम। आप जानते हैं ना कि आपका अब तक का जीवन आपके अब तक के लिए गए फैसलों की एक लंबी श्रृंखला का परिणाम है। आपने अब तक जो किया है और जो नहीं किया है, सिर्फ उसी की वजह से आप आज वहां पहुंचे हैं जहां आप हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, ये तो संसार का एक बहुत ही सहज सा नियम है। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दिया और बात चल रही है विश्व प्रसिद्ध लेखक जेम्स क्लियर की लिखी हुई किताब एटॉमिक हैबिट्स की। इस किताब में जहाँ एक ओर अच्छी आदतों के गठन के कुछ सरल उपाय बताए गए हैं, वहीं दूसरी ओर बुरी आदतों को कैसे छोड़ना है, आसानी से छोड़ना है, ये भी बताया गया है। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे कम प्रयास में अधिक परिणाम की। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, और सच भी है कि हमारा मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से थोड़ा कामजोर है। अब इसे कम मेहनत वाला काम चुनना ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने दिमाग से कोई भी काम करवाने के लिए क्या करते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। मेहनत कम लगेगी तो काम करने की आदत भी पड़ जाएगी, है ना। इसलिए कोशिश करें कि जो काम सही है, जो आप करना चाहते हैं, उसको जितना ज्यादा आसान बना सकें बना दें, और जो काम आप नहीं करना चाहते, जो काम जो आदत आप सुधारना चाहते हैं, उसको जितना ज्यादा मुश्किल हो सके उतना ज्यादा मुश्किल बना दीजिए। अपने माहौल में बदलाव लाएं। हमारा दिमाग ये बात जानता है कि ऊर्जा बहुत अनमोल होती है, इसलिए वो इसे हर जगह हर बार हर काम में बचाने की कोशिश करता रहता है। इसलिए हमारा दिमाग जो है थोड़ा आलसी होता है, वो चाहता है कि हमें हर काम में कम मेहनत करनी पड़े। इसलिए लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट होता है, जिसका मतलब होता है कि अगर किसी इंसान के सामने दो काम रख दिए जाए जिसमें से एक मेहनती है और एक आसान है, तो बहुत चांसेस है कि वो आसान काम ही चुनेगा। वो काम जिससे टीवी देखना, फोन चलाते रहना, ईमेल चेक करते रहना, या फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ आकर हर वक्त खाते रहना, ये काम वो है जिनमें हमारी मेहनत नहीं लगती है लेकिन हमारा समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो लोग ऐसे कामों को ज्यादा करते चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान प्रयास करने से बचता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रयास करने में भरोसा रखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि उनको हर काम में और ज्यादा एफर्ट देना है, कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं। ये लोग अथक परिश्रम में विश्वास करते हैं, सफल कारोबार करते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े जाते हैं, विश्व रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। ऐसे लोग हमेशा जीवन की चुनौतियों को पार करने के नए विकल्प ढूंढते हैं, उन्हें अपने व्यवहार में लाते हैं और उन पर अमल करते हैं। इसी तरह अच्छी आदतों को व्यवहार में लाने के लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए। जैसे एक हो जाती है सही समय और सही जगह का चयन। जैसे कि अगर आप जिम करना चाहते हैं, और अगर आपका जो जिम है वो आपके ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है, और जो जिम की टाइमिंग है वो ऑफिस की टाइमिंग के अनुकूल है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप रोज जिम जाएंगे। वहीं अगर वो उल्टे रास्ते पे पड़ता है और समय भी ऑफिस के टाइम पे ही पड़ रहा है, तो आप शायद एक दो दिन मेहनत करके जिम चले भी जाएं, लेकिन फिर आपके पास और आपके दिमाग के पास खुद को देने के लिए एक बहाना होगा कि यार ये तो बहुत दूर है यार, आज रहने देते हैं, काम ज़्यादा है। इसी तरह आप खुद से एक एफर्ट डालिए कि अपने वातावरण को अनुकूल कर लीजिए। जैसे कि आप कोई भी काम करना हो, आपको पेंटिंग करना हो, या फिर आप रोज़ लिखना चाहते हैं, या फिर आप रोज़ कीबोर्ड प्ले करना चाहते हैं, या फिर कोई भी और इंस्ट्रूमेंट हो गया, आप रोज़ पढ़ना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि ऐसी चीज़ें आपके सामने रखी हों, सब एक साथ इकट्ठा रखी हों, और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करिए। जैसे कि आपकी जो स्टडी टेबल है उसको साफ रखिए, और ऐसा रखिए कि उसको देख के आप थोड़ा और मोटिवेट हो जाएं पढ़ने के लिए। इन सब चीज़ों से आपकी आदत बनना और आसान हो जाता है। इसके विपरीत जिन आदतों को आप छोड़ना चाहते हैं, उनकी सामग्री को छुपा दीजिए या फिर उनका मिलना कठिन बना दीजिए। अब देखिए, मैं अपनी एक कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा एक छोटा भाई था जिसको चिप्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें खाना बहुत पसंद था, तो मैं उसके लिए बहुत सारे चिप्स के पैकेट एंड कुकीज़ के पैकेट ला कर रख लेती थी,
लेकिन फिर होता ये था कि वो हमेशा मेरे सामने रहते थे, तो फिर हर दिन उसके साथ साथ मैं भी एक दो चिप्स खा ही लेती थी। अब उसके कारण मुझे बाद में समझ में आया कि ये तो रोज हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उन्हें रोज लाना बंद कर दिया। फिर जब भी मेरे भाई को चाहिए होता तो मैं उसको शॉप में ले जाती और उसको एक दिलवा देती। अब अगर मेरा खाने का मन होता भी था तो मुझे पता होता था कि अब मुझे शॉप में जाना पड़ेगा और खरीदना पड़ेगा, इसलिए मेरी फिर ऐसे फालतू खाते रहने की आदत कम हो गई। तो समझ गए ना, अच्छी आदतें बनाने के लिए और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें क्या करना है। आज के एपिसोड के लिए इतना ही, और आगे सुनने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।